एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि पॉलिटिशियन जो बनना चाहते हैं, राजनीति में जो जाना चाहते हैं, उनकी कुंडलियों में किस तरह के ग्रह योग होना चाहिए, क्योंकि अभी लोकसभा के भी चुनाव आएंगे और लोगों का इंटरेस्ट है कि वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपनी कुंडलियों में देखें कि उनमें किस तरह के ऐसे राजनीतिक लोकप्रिय राजनीतिक बनने के योग है, उसमें सत्ता के राजनीति में जाने के लिए क्या योग है, कौन से भावों को देखा जाता है, कौन से ग्रहों को देखा जाता है और किस तरह के उसमें राजयोग होना चाहिए, यह संक्षिप्त जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो अगर आप भी राजनीति में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो आपके लिए है। तो आप जरूर इस इनको देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से आपके कुंडली में इस तरह के अगर भाव ग्रह योग बन रहे हैं तो आपको हम जरूर राजनीति में जाना चाहिए और जहां आपको सक्सेस मिलेगी। सर्वप्रथम तो हम आपको बताएं कि जो लग्न भाव है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी रुचि है, आपका आपका छवि है, उससे लग्न से ही लग्न के स्वामी से मालूम पड़ती है। उसके बाद में जो चौथा भाव है, ये जनता का भाव है और जनता का समर्थन जब तक नहीं मिलेगा आपका, उसमें आपको अच्छा योगदान नहीं होगा, क्योंकि यहीं से जनता आपको चुन के लाती है। तो चौथा भाव का मजबूत होना चाहिए, चौथे भाव का मजबूत होना चाहिए। साथ में शनि जो कारक है, ग्रह है, वो शनि है जो है वो आपको जनता की सेवा के लिए शनि की अच्छी स्थिति भी होना चाहिए। उसके बाद में पांचवा भाव को देखेंगे। पांचवा भाव जो है आपका जो मिनिस्टर वगैरह राजमंत्री वो मंत्री बनते हैं, उसके लिए पांचवा भाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पांचवा भाव और पांचवा भाव के छठा भाव जो है सेवा भाव कहलाता है। ये राजनीति के लिए सेवा के लिए जाते हैं, इसलिए छठा भाव का स्वामी का महत्वपूर्ण योगदान है। सातवां भाव इसलिए देखा जाएगा क्योंकि जब भी आपको आप मंत्री बनेंगे तो आपको सपोर्ट चाहिए अपने दूसरे विधायकों का, मंत्रियों का, तो सातवां भाव उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। नौवां भाव जो है वो भाग्य का भाव है, भाग्य का भी सपोर्ट होना चाहिए, तथा साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी नौवां भाव को देखा जाता है। और मुख्य जो भाव है दसवां भाव है, दसवां भाव मुख्य है और राजनीति का भाव है, और यहाँ से आपको जो है सत्ता में आपका प्रभाव कैसा रहेगा उसको देखा जाएगा। तो सप्तम भाव का स्वामी और दसवां भाव के स्वामी को देखा जाएगा, क्योंकि दसवां भाव ही आपको राजनीति के लिए है, सत्ता के लिए है। और उसके बाद में ग्यारहवां भाव है, जब भी आप चुन के आएंगे तो आपको सदन में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, उसके लिए ग्यारहवां भाव है और उनके स्वामी। तो जो भी भाव बताया, पहला भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा, सातवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, ये जो भाव है इनकी मदद से ही आप राजनीति पॉलिटिशियन में जा सकते हैं। ये भाव और भाव के स्वामी। और इनके बाद में हम आएंगे ग्रहों के लिए। तो ग्रहों का जो हम बोलेंगे कि ग्रह अगर आपका मजबूत है तो वो या तो स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, मूर्ति कोण के हो, अच्छी डिग्री में हो, शुभ प्रभाव में हो, और उसमें गज केसरी योग बना रहे हो या बुध आदित्य योग बना रहे हैं, पंचमार पुरुष योग बना रहे हैं, वो ग्रह सब केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो उसको हम बलि ग्रह कहेंगे। तो इस तरह की अवस्था होगी। तो मुख्य मेन जो ग्रह आएगा, पहले तो सूर्य ग्रह की बात करेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रह ही आपकी सत्ता का मुख्य ग्रह है। तो सूर्य से आपको मान प्रतिष्ठा, उच्च पद जो भी है वो सूर्य के से प्राप्त होती है। तो सूर्य का प्रभाव आपके दशम भाव पे होना चाहिए वो, या किसी तरह से भी सूर्य आपके कुंडली में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का कुंडली में होना चाहिए। तो सूर्य का महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है।
उसके बाद में सूर्य यहाँ पे जो बैठे हुए ग्रह हैं दशम भाव में, जैसे यहाँ सूर्य बैठा है स्वग्रही होके बैठा है, तो वो अच्छी स्थिति है, बुध आदित्य योग भी बना के बैठा है। इसके बाद में दूसरा जो ग्रह आएगा इसके लिए चंद्रमा है। जब तक आपका मन स्ट्रांग नहीं होगा, बलि नहीं होगा, तो चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में अच्छी होना चाहिए। और जो आज की परिस्थितियों में राहु ग्रह है, राहु ग्रह जो है वो आपका राजनीति का ग्रह है, तो राजनीति में जो भी है छल कपट या जो भी आप इस तरह की आपकी सेवाएं रहती है, राहु के राहु ही उसको प्रदान करता है। तो राहु ग्रह का अच्छा होना मतलब राहु का तीसरे भाव में, छठे भाव में, दशम भाव, 11 भाव में होना बहुत अच्छा है। और वो 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की, 10 नंबर की राशियों में होता है, तो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। तो आपकी कुंडली में देख सकते हैं कि राहु की स्थिति अच्छी होना चाहिए। और राहु यहाँ पे देखिए 10 नंबर में है, तो अच्छी स्थिति का आएगी। और राहु का भी संबंध जहाँ तक अगर दशम भाव से भी होता है, और राहु का संबंध तीसरे भाव, छठे भाव, 10 भाव और 11 भाव से होता है, यहाँ बैठना चाहिए या दृष्टि होना चाहिए, तो राहु की स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। तो राजनेताओं के कुंडली में राहु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, तो राहु की स्थिति को ही आपको देखना चाहिए, उसमें अच्छी स्थिति। इसके बाद में जो ग्रह आएगा वो गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह जो है वो भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। गुरु के कारण ही आप जो राजमंत्री या मंत्री का पद पाते हैं, और पंचम भाव से अगर गुरु का संबंध बनता है तो वो आपको अच्छा मंत्री बनाते हैं, और वो आपके ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। तो आपको जो भी अच्छे मंत्री बने हैं उनका गुरु का संबंध जरूर ये पंचम भाव से होगा। पंचम भाव में वो स्वराशि के, उच्च के, मित्र राशि के बैठेंगे, और उनका संबंध पंचम भाव से बन रहा होगा, गुरु की दृष्टि वगैरह से भी। तो गुरु का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसके बाद में जो ग्रह आएंगे आपको वो है बुध का भी, बुद्धि के लिए बुध ग्रह भी सपोर्ट करेगा आपको। तो मेन तो ग्रह हो गया सूर्य हो गया, उसके बाद राहु है, फिर आपका गुरु हो गया। ये जो भी कुंडली में जब अच्छे बलि होंगे, यानी स्वराशि के, उच्च राशि के, मित्र राशि ये होंगे, और राजनीति के जो भाव लग्न में हो, वो चौथे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, 9वें 10वें 11वें भाव में ये ग्रह होंगे, राजनीति वाले ग्रह, और उनका आपसी संबंध बनेगा। देखो ये जो है कि जैसे पंचम भाव दशम भाव का राशि परिवर्तन हो, या इनकी इनकी पंचम भाव दशम भाव की या तो युति हो कहीं पे भी, केंद्र त्रिकोण में हो, या उनके दृष्टि संबंध हो, तो इस तरह से जो भी राजनीति वाले भावों के जो स्वामी हो, एक दूसरे के भावों में बैठे, वो युति करें, दृष्टि संबंध करें। जैसे लग्न का स्वामी दशम में, दशम का स्वामी लग्न में हो, या इनकी युति हो, या इनके परस्पर दृष्टि हो, तो इस तरह राजनीति वाले भाव है वो 11वां भाव, 10वां भाव, इनका भी राशि परिवर्तन हो सकता है, युति हो सकती है। तो इस तरह से राजनीति वाले जो भाव हैं उनके स्वामियों की एक दूसरे से युति हो, दृष्टि संबंध वो हो, उच्च के हो, मित्र राशि में हो, और अच्छे से गजकेसरी योग या पंचमहापुरुष योग इस तरह के योग बना रहे होंगे, तो राजनेताओं की कुंडली में जितने अच्छे ऐसे राजयोग बनेंगे उतनी अच्छी वो पॉलिटिशियन बनेंगे, उनका जनता से अच्छा वो रहेगा। शनि और चौथा भाव जनता का है, तो जो शनि जो सेवा करता है तो इसके लिए ये अच्छा होना चाहिए। छठा भाव और 10वें भाव का संबंध होना चाहिए। छठा भाव से हम क्या करते हैं कि जो भी हम कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, वो छठे भाव से दिखते हैं। तो छठे भाव का संबंध 10वें भाव से हो, इनके राशि परिवर्तन हो, युति हो, वो ये भी अच्छी एक स्थिति बोलते हैं। तो छठे भाव 10वें भाव का भी संबंध होना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा कि आप अगर पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो जो नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए सूर्य जो है वो नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं। साथ साथ में तीसरा भाव पराक्रम का है, मंगल भी इसका कारक है, तो मंगल की स्थिति भी अच्छी रहेगी, तो आपके लोगों से मेल मिलाप होगा, नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी, और साथ में शनि उसका साथ देगा, तो जनता में आप सेवा करेंगे। शनि का अच्छा, उच्च का, स्वराशि का, मित्र
राशि का होना भी आपके कुंडली में अच्छा होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि राहु जो ग्रह है वो नीतियों का निर्माण करता है। तो राहु की स्थिति हमने बताई है कि तीसरे छठे दसवें ग्यारह भाव में जो है वो अच्छी स्थिति है, और वो अगर 3 नंबर 6 नंबर 10 नंबर की राशियों में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो इस तरह से आपका राहु आपको ये नीतियों का निर्माण के में सहायक होता है। तो ऐसा देखें तो हमने जैसा बताया आपको कि इन भावों का संबंध एक दूसरे से होने से, राजनीति वाले भावों का संबंध एक दूसरे, उनके स्वामियों का एक दूसरे से होने से राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि अगर आपकी कुंडली में राजनीति होना है तो कूटनीतिक ग्रह राहु की स्थिति मजबूत होना चाहिए। आपको अगर उच्च पद चाहिए, अच्छा और वो चाहिए, तो आपको सूर्य जो है आपके उसमें प्रतिष्ठा देगा, आपको नेतृत्व क्षमता देगा, और गुरु ग्रह जो है आपको अच्छा मंत्री पद दिलाएगा। अगर गुरु की स्थिति अच्छी आपकी कुंडली में बैठ रहे हैं तो ये अच्छा है। तो गुरु का बलवान होना महत्वपूर्ण योगदान देता है। चंद्रमा आपका बल, आपका मन का बलाबल अच्छा होने के लिए चंद्रमा का मजबूत होना भी अच्छा है। तो इस तरह से जितने भी अच्छे योग बनेंगे, गज केसरी योग वगैरह जो भी हमने बताए वो अच्छे बनना चाहिए, जिससे कि आपको राजनीति में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी देने का हमने प्रयास किया। आपकी आप भी अपनी कुंडलियों में इस तरह के जो योग बन रहे हैं उनको देखिए, और जब भी आप चाहते हैं कि इनके बलवान करना चाहते हैं तो सूर्य के लिए पिता का कारक होता है, तो पिता जैसे लोगों का सम्मान कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए जिससे कि सूर्य मजबूत हो सके। गुरु के लिए अपने पूज्य लोगों का आशीर्वाद लीजिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिए जिससे गुरु मजबूत हो, उसके मंत्रों के जाप कीजिए, सूर्य के गुरु के मंत्रों को जाप कीजिए। राहु के लिए आप जो भी आपके विकलांग लोग हैं जो आप उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए भी कुछ दान वगैरह की चीजें दीजिए तो राहु को मजबूत किया जा सके। और आपको मंगल के लिए और गणेश जी की, बुध के लिए, गुरु के लिए जो है गणेश जी की आराधना करना चाहिए, गणेश के मंत्रों के जाप करना चाहिए, गुरु के मंत्रों के जाप करना चाहिए जिससे कि गुरु ग्रह मजबूत हो सके। तो इसमें सूर्य राहु गुरु हाँ इनको बलवान करना चाहिए। चंद्रमा के लिए माता जी की सेवा करना चाहिए, माता जी से लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और उनकी उनका जो भी चंद्र के मंत्र हैं उनको करना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा इन ग्रहों को आप मजबूत कीजिए। लग्न जो भी आपका लग्न बनता है वो मुख्य ग्रह होता है, तो उसके स्वामी को बलवान और अच्छा सपोर्ट करने के लिए आपको उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए, इष्ट की आराधना करना चाहिए, आपके कुल देवता की आराधना करना चाहिए। जब भी कुछ कार्य करने जाएं राजनीति के लिए तो आपको शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, शुभ मुहूर्त में किए हुए कार्य आपको सफलता दिलाएंगे। तो इस तरह आपने देखा राजनीति के लिए हमने जो जो बातें बताई आपको अपनी कुंडली में जरूर देखिए, जिससे कि आप उच्च पद पर प्राप्ति प्राप्त हो सके। और जो भी है राशि परिवर्तन दशम भाव का संबंध, राशि परिवर्तन लग्न से हो, 11 भाव से हो, दशम भाव के स्वामी और 11 भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी का 9 भाव से, 5म भाव से, 6ठे भाव से राशि परिवर्तन हो, क्योंकि राजनीति का जो भाव है इनका संबंध है, ये राजनीति वाले भावों से, या दृष्टि संबंध हो, युति हो घरों की, या एक दूसरे के घर में बैठे हो और वो उच्च के हों, स्वराशि के हों, जितने अच्छे ऐसे योग बनेंगे तो आपको राजनीति में अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपको राजनीति में जाना है, इसके लिए संक्षिप्त में जानकारी हमने देने का प्रयास किया। आप अपने कुंडलियों में देखिए, और अपॉइंटमेंट परामर्श के लिए आप हमसे परामर्श अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपने वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।